Hi, this is Vikas, and now uh, we have to learn about the spreadsheet. Uh, what is a spreadsheet, and what are the functions and formulas uh, that are used in the spreadsheets? So we have to learn in this video. Uh, so let's start. Uh, before this, I am requesting you that if you don't have to subscribe to my channel, then at the first you have to subscribe this, okay? Uh, because I have made an educational video and there are many educational videos that can help you in the many ways okay so if you want to know if you want to find the notifications so you will have to press the bell icon also uh, so let's know uh, what the spreadsheet uh, so uh, the power of excel or any spreadsheet application lies in its uh, ability to for perform a variety of complex calculation this chapter focus on the uh, power of reference functions and formulas to open calculations on the data data sets a uh, set of values in you know, a spreadsheet. So in in this chapter we have to learn that uh, what is a spreadsheet, uh, how what uh, how many works can be completed with the help of a spreadsheet. So generally you will have to think and generally you have to imagine that if you have any problems related to the mathematics. Then you can perform our all calculations related, uh, your queries, your questions uh, with the help of the Excel or a spreadsheet. Okay. So in this chapter we have to learn about the MS Excel. MS Excel. MS What is MS Excel? So I am introducing you that MS Excel is a part of MS Office, Microsoft Office, and all the calculation uh, all the calculations. Uh, एंड फंक्शंस फॉर्मूलाज कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ एम एस एक्सल एम के सहायता से हम लोग मैथमेटिकल फार्मूलाज और फंक्शंस को सॉल्व uh, करते हैं ठीक है इसमें रखते हैं इसके सहायता से हम लोग अपने प्रॉब्लम्स uh, को सॉल्व करते हैं जैसे एडिशन सब्ट मल्टीप्लिकेशन डिवीजन परसेंटेज एवरेज लाइक दिस ओके तो अब फार्मूला पहले हम लोग ये जानेंगे व्हाट इज फार्मूला फार्मूला क्या होता है मैंने अभी बताया मैथमेटिकल आर मेन एमएसएल एम एस एक्सएल का मेन फीचर्स क्या है तो फार्मूलाज एंड फंक्शन आर द मेन फीचर्स ऑफ द एमएस एक्सएल फार्मूला इज एन कैलकुलेशन फार्मूला एक इक्वेशन होता है जो कैलकुलेशन को परफॉर्म करता है एक्सेल कैन एग्जीक्यूट सिंपल फार्मूलाज फॉर एडिशन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन एज वेल एज स्टैटिस्टिकल एंड अदर फार्मूलाज यानी कि हमारे एक्सेल जो होता है वो कई सिंपल फार्मूलाज हम लोगों को बताता है और उस सिंपल फार्मूलाज के अकॉर्डिंग हम लोग अपने मैथमेटिकल वर्क को करते हैं क्या क्या कर लेते हैं तो एड सब्जेक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड एंड देर आर मेनी फंक्शन देर आर मेनी फार्मूलाज इंक्लूड इन द एक्सेल एंड वी कैन वर्क विद द हेल्प ऑफ फार्मूलाज एंड फंक्शंस इजली ओके बिफोर प्रोसीडिंग फॉर दर्न अबाउट बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेटर्स दैट आर यूज टू राइट अ फॉर्मूला देखिए हम लोग एक्सेल तो स्टार्ट करेंगे लेकिन इसके पहले हम लोग ये जान लेंगे कि कुछ कुछ सिंबल्स होते हैं जैसे मान लीजिए मल्टीप्लाई का सिंबल हमारे कीबोर्ड में मिलेगा नहीं आपको आप पूरे कीबोर्ड में ढूंढ लो आपको मल्टीप्लाई का सिंबल नहीं मिलेगा तो अगर हम लोग को एम एस वर्ड में लिखना होता है या हम लोग को शो कराना होता है सिर्फ तो हम लोग एक्स को मल्टीप्लाई मान के कर, करते हैं ना नहीं और डिवाइड का भी अगर हम लोग आते हैं तो डिवाइड का भी सिंबल आपको पूरे कीबोर्ड में नहीं मिलेगा तो ए, हम लोग आखिर मैथमेटिकल वर्क कैसे करेंगे ओके हम लोग मैथमेटिकल वर्क्स को कैसे सॉल्व करेंगे तो सम फंक्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं इसके ऑपरेटर्स दिए हुए हैं यानी कि सिंबल्स कौन कौन से सिंबल्स ये ऑपरेट होगा ओके और कुछ फार्मूला भी आपको दिया गया है क्या क्या फार्मूला यहाँ पे वर्क करेगा आउटपुट क्या आएगा तो इस चार्ट को हम लोग देखेंगे यहाँ पे इस चार्ट में दिया हुआ है देखिए एडिशन का सिंबल ये है प्लस ये तो आपके कीबोर्ड में मिल जाएंगे अगर मुझे ऐड करना है सो यू विल हैव टू माइंड इट ऑलवेज दैट इफ़ यू विल हैव टू टाइप एनी फार्मूला और फंक्शन दैट द इक्वल मार्क इज नेसेसरी अगर आप कोई भी फार्मूला अप्लाई करते हैं कोई भी फार्मूला आपको आप टाइप करते हैं तो उसके पहले आपको ये इक्वल का मार्क देना बहुत ही ज़रूरी है अदरवाइज वो फार्मूला वर्क नहीं करेगा ओके तो हमें अगर माइनस करना है प्लस करना है तो हमें क्या करना है इक्वल फाइव और फाइव को ऐड करना है तो फाइव प्लस फाइव इक्वल टेन ऑटोमेटिक आपका आंसर आ जाएगा आपको करना क्या है मैं थोड़ा सा एग्जांपल भी आपको बताऊंगा प्रैक्टिकली भी बताऊंगा आपको तुरंत अभी मैं बताने वाला हूँ इसके पहले हम लोग इसको देख लें सब्टेक्शन का अभी हम लोग का माइनस का मार्क रहता है की में ओके okay? मल्टीप्लाई का मार्क नहीं रहता है मल्टीप्लीकेशन के लिए हम लोग को स्टार प्रेस करना होता है स्टार कहाँ होता है तो आप लोग जो फंक्शन की होते हैं फंक्शन के सबसे ऊपर होते हैं एफ वन से लेके एफ ट्वेल्व तक आप लोगों को बताया हूँ मैं बहुत पहले वाली वीडियो में बताया हूँ कीबोर्ड के बारे में और उसके नीचे नीचे नंबर भी लिखे रहते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन नाइन जीरो और उसके ऊपर सिंबल बने होते हैं तो एट के ऊपर स्टार का सिंबल बना होता है आप शिफ्ट के साथ उसे प्रेस करेंगे तो आपका स्टार वहाँ पे टाइप होगा ओके अगर आप वो नहीं चाहते हैं तो नंबर अगर न्यूमेरिक की पैड आपके आपके की में लगा हुआ है न्यूमेरिक की बोर्ड की बैड क्या होते हैं तो अगर आपको तो थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है तो मेरा पीछे बहुत पीछे वाली वीडियो को आप देखेंगे उसमें मैं बताया हूँ कीबोर्ड के सारे कीज के बारे में कि कौन कौन से कहाँ पे होते हैं तो आप उसको देख के समझ सकते हैं फिर भी मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ अगर आपके पास नोमेरिक की लगे हुए आपके कीबोर्ड में अटैच्ड है जो राइट साइड में होते हैं तो आप वहाँ पे नाइन के ऊपर देखेंगे तो नाइन के ऊपर स्टार बना रहता है तो आप उसको भी प्रेस करके मल्टीप्लाई का मार्क ला सकते हैं ओके डिवीज़न हम मुझे निकालना है तो डिवीजन के लिए जो डिवीजन का मार्क होता है डिवाइड का वो भी मेरे पास की में अवेलेबल नहीं है तो उसके लिए हम लोग स्लैश का यूज़ करते हैं जो आपके शिफ्ट राइट साइड में जो शिफ्ट की होते हैं जस्ट उसके बगल वाला की होता है हमें सिर्फ उसको प्रेस करना होता है और उसके ऊपर में वर्ड का मार्क भी लग रहा है ठीक है परसेंटेज मेरे कीबोर्ड में है एक्सपोनेंट भी मेरे पास है अगर एक्सपोनेंट नहीं रहेगा तो हमारा काम नहीं होगा लेकिन एक्सपोनेंट आई थिंक शायद आपके कीबोर्ड अगर लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो आपके कीबोर्ड में नहीं मिलेगा ओके सो लेट्स नो दैट आर्थमेटिकल ऑपरेटर्स कैसे कैसे होते हैं मैंने आपको ये चार्ट के अकॉर्डिंग बता दिया अब यहाँ देखते हैं टू परफॉर्म बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन आर्थेमेटिक फॉर एग्जाम्पल प्लस साइन फॉर एडिशन एडिशन के लिए प्लस करते हैं जैसे मैंने आपको अभी बताया माइनस माइनस के लिए ओके uh, okay. स्टेज साइन मतलब स्टार का जो साइन होता है वो हम लोग लगाते हैं मल्टीप्लाई के लिए और फॉरवर्ड फारवर्ड स्लेस जो ये हमारा स्लेस होता है वो डिवीजन के लिए होता है परसेंटेज का साइन परसेंटेज के लिए होता है और कैरेट जो है एक्सपोनेंट्स के लिए होते हैं ओके तो ये सारे आपके सिंबल्स यहाँ पे बने हुए हैं आप इस सिंबल को देख लेंगे अगर मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप अच्छी तरह से स्टडी करना है तो आप इस सिंबल वाले इस चार्ट को नोट ही कर लेंगे अपने पास अगर आप बेसिकली बिल्कुल बिगनर्स के रूप में अगर आप इस एक्सेल को सीखना चाहते हैं तो ओके तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कैसे कैसे हम लोग इसको वर्क इस वर्क को करते हैं ओके तो हम लोग चलते हैं एक्सेल ओपन करने के लिए इसके पहले एक चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम लोग एमएस एक्सेल ओपन कैसे करेंगे बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा आप ध्यान से देखें तो हम लोग आगे अपने डेस्कटॉप पे और डेस्कटॉप से मुझे एक्सेल ओपन करना है तो मैं एक्सेल कैसे ओपन करूंगा मैं इसके लिए बहुत अच्छे से एक वीडियो बना के आपको दूंगा फिलहाल मैं शॉर्टकट तरीके से आपको ओपन करके बता रहा हूँ यहाँ पे यहाँ सर्च वाले ऑप्शन पे जाएंगे अगर हम विंडो टेन यूज कर रहे हैं तो और यहाँ पे हम लिखेंगे एक्सेल ई e -E एक्स सी ई एल एक्सेल ओके तो एक्सेल करने के बाद यहाँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल आपका उपन, दिखाई दे रहा है और हमें उस पर जस्ट क्लिक करना होता है और क्लिक करने के बाद आपका थोड़ा देर वेट करना होगा आ, और ऑफिस एक्सेल आपका ओपन हो जाएगा ओके ये देखिए आपका ऑफिस एक्सेल ओपन हो चुका है ओके और इसके पहले आप ये क्या होते हैं क्या क्या इसमें कंटेंट्स होते हैं ये मैं उस वीडियो में ही बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा कि आपको लिए बताऊं क्योंकि बेसिकली मुझे आपको फॉर्मूला के बारे में बताना है इसमें तो मैं फार्मूला आपको बता रहा हूँ एक फार्मूला टाइप करके कैसे कैसे हम लोग वर्क करेंगे ओके तो जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे कि फोर प्लस फोर इक्वल कितना होना चाहिए मेरे एट होने चाहिए ना एट एंटर प्रेस करेंगे नहीं आएगा लेकिन सेम चीज़ को मैं यहाँ पे आपको तो थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आप लोग क्लियर नजर आए ओके अब देखिए यहाँ पे मैं इक्वल मार्क के साथ प्रेस कर रहा हूँ जैसे मैंने आपको बताया था कि इक्वल मार्क के साथ हम लोग प्रेस करेंगे तो मेरा फार्मूला आराम से काम करेगा और मुझे करना क्या है फोर और प्लस का मार्क हम देंगे और फिर फोर प्रेस करेंगे एट देखिए आ गया ना आपका कोई परेशानी नहीं जैसे हम लोग को बिल बिल्कुल बेसिकली मैं फार्मूला आप लोग को ही बता रहा हूँ सो आप लोग कन्फ्यूज़ नहीं होना चूँकि वीडियो देखने वाले ऐसे भी लोग हैं जो जिनको एक्सेल के बारे में नॉलेज है जानते हैं तो वो सोचेंगे कि मैं बहुत ही छोटे जगह पैमाने पर बता रहा हूँ तो मैं बिल्कुल ही छोटे पैमाने पर बता रहा हूँ बिल्कुल बेसिकली स्टार्टिंग से मैं बता रहा हूँ बिगनर्स वालों के लिए ठीक है ऐसे ही मुझे यहाँ पे माइनस करने हैं ओके फोर माइनस फोर इक्ल कितना आएगा ज़ीरो आएगा ना यहाँ पे नहीं आया ओके तो अगर यहाँ पे ऐसा नहीं आता है तो हमें क्या करना होगा यहाँ इक्वल के साथ प्रेस करेंगे फोर माइनस फोर इक्वल जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे आपका ज़ीरो आ गया ओके बाकी मैं फार्मूला आपको बताऊंगा मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ कैसे कैसे हम लोग एक्सेल में वर्क करते हैं ओके तो एक बार मल्टीप्लाई के लिए देखते हैं फोर इंटू देखिए इंटू का मार्क हम ला दिए कहीं से कीबोर्ड से लेकिन ये इस पर काम करेंगे तो होगा नहीं इसके लिए हमको ये एट वाला स्टार प्रेस करना पड़ेगा और फोर इक्वल कितना होगा सिक्सटीन लेकिन अब यहाँ पे 16 नहीं आ रहा तो हम लोग को उसके पहले क्या करना पड़ेगा इक्वल मार्क देना पड़ेगा इक्वल फोर और स्टार फोर और ये मुझे प्रेस करना है ओके प्रेस करेंगे आपका आंसर आ गया सिक्सटीन ओके तो इस तरह से हम लोग आराम से वर्क कर सकते हैं फोर डिवाइड फोर डिवाइड का मार्क तो यहाँ पे होता नहीं है तो हमने बताया था ना पावर ये फोर इक्वल कितना आएगा वन आना चाहिए तो हम लोग देखते हैं एक फॉर्मूला अप्लाई करके कि क्या वन आ, आ रहा है या नहीं तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं इक्वल फोर डिवाइड फोर देखिए वन आ गया ना अब रही बात कि मैंने कोई गड़बड़ तो नहीं किया तो आप यहाँ चेक कर सकते हैं यहाँ पे जैसे ही आप इंटरड्यूस करेंगे तो ये फॉर्मूला बार में आपको दिखाई देगा कि फोर प्लस फोर एड किया गया है और आंसर कितना आया है एट नीचे वाले में फोर माइनस फोर नीचे वाले में फोर स्टार फोर नीचे वाले में फोर स्लेश फोर तो इस तरह से आपके जो वर्क होते हैं बिल्कुल इजी करता है ये आपको बार बार मल्टीप्लाई करना लिखना जोड़ना घटाना ये सब उंगली पे जोड़ना पेंसिल से जोड़ना या माइंड का यूज करना उतना आपको टेंशन नहीं लेना सिर्फ आपको याद करना है थोड़े से फॉर्मूले थोड़ा सा ही बाकी फार्मूला आपको याद भी नहीं करना है मैं आगे आप चूँकि एक्सेल बहुत ही मजा आएगा पढ़ने में और मैं आपको एक्सेल में ऐसे चीज ट्रिक बताऊंगा ऐसे से ट्रिक बताऊंगा कि आपको फार्मूला याद करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी दो चार फॉर्मूले आप याद करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपका सारा वर्क हो जाएगा ठीक है तो ये चीज़ था जो मैंने आपको बताया आपके चार्ट के अकॉर्डिंग ओके हम लोग इसे अब कट करते हैं और फिर अपने टॉपिक पे हम लोग आते हैं तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आ, मैथमेटिकल ऑपरेसर ऑपरेटर्स क्या क्या होते हैं तो ये जो है ये पैराथेसिस है ओके पैराथेसिस का मतलब जैसे मान लीजिए आप एक साथ दो तीन काम करते हैं तो दो तीन काम करते हैं तो कैसे हम लोग वर्क करेंगे इसके लिए हम लोग जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है सिक्स प्लस फाइव माइनस फोर इंटू थ्री बाई टू ऐसे आप वर्क करेंगे तो आपका आंसर नहीं आएगा ठीक है एक्चुअल आंसर आपका नहीं आएगा और इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा ब्रैकेट का ओपन करना पड़ेगा अगर नहीं भी करेंगे तो आ जाएगा कभी कभी ऐसा नहीं कि हमेशा ऐसा, ऐसा होता है अगर आ, कभी कभी हो सकता है कि ये गलत तरीके से ये बना दें तो इसमें क्या क्या होता है चूँकि हम लोग इसमें बीच में ब्रैकेट डाल देंगे जैसे सिक्स प्लस फाइव तो हम लोग ब्रैकेट कर देंगे अब ये तब करेंगे जब हमको इसको जोड़ के और बाकी ये दोनों को हम लोग डिवाइड करेंगे ना मल्टीप्लाई करना है या मल्टीप्लाई करना है तो हम लोग पहले इसको ब्रैकेट में ऐसे ऐसे ब्रैकेट कर देंगे तो ये पहले मल्टीप्लाई करेगा है ना ट्वेल्व डिवाइडेड टू हो जाएगा तो ये फिर उसके बाद फिर हम लोग को क्या करना है इसको डिवाइड करना है तो फिर हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट और यहाँ पर क्लोज कर देंगे तो ये पहले इस वर्क को करेगा तो सिक्स आएगा फिर आपको ऐड करना है तो पहले हम लोग इस ऐड वाले ब्रैकेट इसको ब्रैकेट में क्लोज कर लेंगे ठीक है तो इस तरह से करते करते हम लोग का आंसर आ जाएगा तो आप जैसे चाहे कर सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है लेकिन मैं तो ये बताऊंगा कि एक्चुअल आंसर लाने के लिए आप ब्रैकेट का यूज़ करेंगे ठीक है जैसे हम लोग कम इस कंप्यूटर के लैंग्वेज में एक्सेल में हम लोग इसको बोलते हैं पैरेंथेसिस ओके परसेंटेज का मार्क एक्सपोनेंट का मार्क ओके मल्टीप्लाई एंड डिवीजन का मार्क और प्लस माइनस एडिशन और सब का मार्क इक्वल ओके ये ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं आप बताइए क्या आपको पता है ये क्या होता है ये ग्रेटर देन स्मॉलर देन का सिंबल है और ये जो हमारे ने ग्रेटर देन स्मॉलर देन के बीच में इक्वल भी लगा दिया तो इसका मतलब या तो इक्वल है या फिर ग्रेटर है या तो वो स्मॉल है या ग्रेटर है सॉरी इक्वल है या स्मॉलर है तो ये सारे चीज़ें हमारी होती हैं जो कम्पेरिजन ऑपरेटर्स जिसे हम लोग बोलते हैं ये कंपेरिजन करता है कि इसके बराबर है कि नहीं है क्या कैसे बड़ा है क्या कैसे छोटा है क्या इसके बराबर है या इसे छोटा है क्या ये बड़ा इससे बराबर इससे बड़ा है तो इस तरह से जो कम्पेरिजन हम लोग करते हैं उस कंपेरिजन के लिए हम लोग जो सिंबल का यूज़ करते हैं उसे कंपेरिजन ऑपरेटर्स बोलते हैं द ऑपरेटर्स डेट आर इक्वल इन प्रेसिडेंस आर परफॉर्म्ड लेफ्ट टू राइट यानी कि ये जितने भी हमारे ये ऑपरेटर्स होते हैं वो लेफ्ट से राइट right की ओर जाते हैं ध्यान देंगे आप राइट right से लेफ्ट की ओर नहीं जाएगा लेफ्ट से राइट right की ओर जाएगा वो राइट right से लेफ्ट की ओर नहीं आएगा ओके देखिए यहां पे मैं आपको दिखा दूँ। चार्ट भी बना हुआ है इस चार्ट के अकॉर्डिंग हम लोग देख लेते हैं रिलेशन ऑपरेटर्स देखिए टू कंपेयर टू वैल्यूज कम्पेरिजन ऑपरेटर्स आर यूज बताया ना कि किन दो वैल्यू के बीच में हम लोग लो का यूज करेंगे द रिजल्ट इज आइदर ट्रू और फाल्स अब देखते हैं हम लोग का रिजल्ट ट्रू होगा या फॉल्स होगा तो यहाँ पे कैसे फॉर एग्जाम्पल इक्वल टू ग्रेटर देन लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू ओके तो ये सारे हम लोग परफॉर्मेंस देखते हैं कैसे कैसे होगा तो एक चार्ट बना हुआ है मैं आपको फार्मूला जैसे ही बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगी कि ये क्या बता रहा है तो हालांकि यहाँ पे सिर्फ आपको समझने के लिए दिया गया है ऑपरेटर्स क्या है इक्वल टू है ना ए वन और बी वन क्या ए वन और बी वन इक्वल है ओके okay, हम लोग फार्मूला डालेंगे इक्वल तो पहले हम लोग देते हैं वो फार्मूला अप्लाई करने के लिए ओके okay? और फार्मूला में हम लोग डालेंगे कि क्या ए वन इक्वल बी वन देखिए ये जो है ना इसका एड्रेस लेता है ओके ए वन और बी वन तो ए वन और बी वन इक्वल है तो नहीं है क्योंकि ए वन है ये सेवन है तो फॉल्स अगर यहाँ पे हम लोग लिखते हैं ए वन इक्वल नहीं है बी वन तो सही होता है ना चलिए ग्रेटर देन तो ए वन जो है वो ग्रेटर देन बी बी वन क्या ए वन जो है वो बी वन से बड़ा है ये हमने इक्वल का मार्क दिया फार्मूला अप्लाई करने के लिए और ए वन जो है वो बी वन से बड़ा है क्या ये स्टेटमेंट सही है तो नहीं नहीं है तो यहाँ पे फॉल्स ओके लेस देन ए वन ए वन जो है क्या सॉरी ए वन जो है वो बी वन से छोटा है लेस देन है तो इक्वल का फार्मूला हमें डाला ए वन लेस देन बी वन क्या ये सही है तो ये सही है ना ये तो कम है ना तो यस ट्रू लिख देगा यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू चार जो है फोर जो है वो एट से ग्रेटर है या इक्वल है तो फालस क्योंकि ये तो ये बड़ा ये है एट है तो स्मॉलर होगा ना ये स्मॉलर है ओके okay, और ये जो इक्वल हम लोग दे रहे हैं ये इक्वल से हमें कोई मतलब नहीं ये तो हमने फॉर्मूला को अप्लाई करने के लिए दिया है हमें इसके बाद में देखना है कि क्या दिया गया है लेस देन और इक्वल टू तो क्या फाइव जो है यानी कि ए वन मीस फाइव जो है और बी मतलब वन से मतलब सेवन से ग्रेटर है सॉरी छोटा है या बराबर है जाहिर सी बात है फाइव जो है वो छोटा है है ना स्मॉलर है और तो ये ट्रू लिखेगा तो इस तरह से नॉट इक्वल टू तो, यानी कि सिक्स और सिक्स इज नॉट इक्वल टू तो, क्या दोनों बराबर है तो बराबर है ना जी दोनों छः और छः हैं दोनों बराबर है तो यहाँ पे हमने जो फॉर्मूला यहाँ पे डाला है इसको कंपेरिजन करने के लिए या रिलेशन बनाने के लिए तो क्या यह सही है तो नहीं फॉल्स है तो फॉल्स यहाँ तो पे हार्ट फुट मेरे इधर से आएंगे तो ये सर जो हम लोग को अच्छे से सपोर्ट करते हैं ये हमने थोड़ा सा आपको बताया हिंट दिया है इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे अगली मैं जब आप लोगों को क्लास लूंगा तो अगले क्लास या अगले वीडियो में आपको बेसिकली नॉलेज दूंगा एक्सेल का एक्सेल ओपन कैसे करते हैं एक्सेल में क्या क्या होते हैं उसके क्या क्या कॉम्पोनेंट्स होते हैं क्या क्या हम लोग उसका यूज़ करते हैं तो ये सारी चीज़ों के बारे में जनरली जो बेसिकली नॉलेज होती है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ने बताऊँगा ओके तो आज के लिए इतना ही और अगर इसमें भी आपको कोई परेशानी हो तो हम इसे पूछेंगे इसके लिए मैं हमेशा आपके लिए तैयार हूँ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे मुझसे पूछेंगे कि हाँ ये की, ये चीज़ क्या है हो सकता है कि आपकी कुछ समझ से बाहर हो तो मैं बिल्कुल आपको बताऊँगा ओके